बाप रे 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 बाप नमस्कार ओम नमः शिवाय भक्ति में है शक्ति बंधु शक्ति में संसार है त्रिलोक में जिसकी चर्चा उन शिव की यह बरात है आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप तो जानते हैं आज के दिन एक तो महीना हिंदू माह का अंतिम माह होता है फाल्गुन का उसके बाद चैत का माह शुरू हो जाएगा तो आज जो है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है माघ ये फाल्गुन मास का वो है आज तो जो है आज के पंद्रह दिन बाद करीब जो है शिवरात्रि होती है वो पंद्रह दिन बाद होली का होली का दहन होता है फिर होली खेली जाती है आज ही भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ विवाह किया था आज एक दिन उनकी बारात चली थी उस बारात के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भगवान शिव आप पर कृपा करें मैं आज एक फिर एक हॉरर स्टोरी आपके सामने लिए जा रहा हूँ ये हॉरर स्टोरी जो है आपको ले जाएगा एक खड़ा जंगल मिट्टी के डू कलकल बहती नदी और साथ में बहुत दूर दूर तक फैले हुए हरियाली छाई हुई खेतों की बाहर अब मैं गया क्यों हूँ मुझको जो है यूट्यूब वालों ने खूब भरमाया इतने पोस्ट टिटहरी के बारे में डालें कि उसके जो है अंडे जब वो अंडे देती है तो अंडों को फोड़ने के लिए टिटहरी जो पत्थर उठा के लाती है वो पत्थर यदि किसी भी चीज़ में छुआया जाए तो वो सोने का बन जाता है तो बड़ा मज़ा आ गया बै, घर बैठे करोड़ों रुपए कमाने का एक फार्मूला हाथ में आया अब मैंने सोचा कि बुढ़ापे में मैं भी चलूँ लेके डंडा मैं भी टुकड़ 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 उस जगह पे चला जगह क्या है दूर दूर तक ब्याहबान सन्नाटा खेतों में काम करते हुए मेहनत कश किसान कल कल बहती हुई नदी साफ़ सुथरी नदी और ये इलाका जो है उस जगह से है जहाँ से जो है नदी निकलती है शायद नेपाल से कहीं निकलती है और कल कल बहती हुई भारत में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ने लगती है जी हाँ दोस्तों और मुझको तो सिर्फ था टिटहरी को खोजना और वो टिटहरी एक लंबी टाँग वाली छोटी सी चिड़िया होती है मुश्किल से पाँच छः इंच की होगी और हल्के भूरे रंग की होती है और कुछ वो ऐसा होता है और लंबी लंबी टांगे होती हैं उसके बाद में ये विशेषता है कि वो अब पता नहीं मैंने देखा नहीं लेकिन ये है कि वो जो है पैर को ऊपर करके सोती है ये सोच के कि कहीं आसमान उस पर गिर के ना टूट कर न गिर जाए तो ये तो खैर मैंने देखा भी नहीं और ये सुना ही है अपने पूर्वजों से भी सुना है लेकिन उसके अंडे इतने अंडों को फोड़ने की टेक्निक तो इतनी करामाती होगी तो मैं ज़रा सा भाई लालच में आ गया अब मैंने डंडा उठाया और जो है डंडा इसलिए कि जो है अब हल्की हल्की गर्मी शुरू हो गई है सांप अपने बिलों से निकल रहे होंगे और कर खेतों में तो सांप रहते चूहे खाने के लिए ये तो आपको मैं मैंने उनसे बचाव के लिए बड़े बड़े से जूते पहन रखे थे कि वो मारते हैं तो पैर पर गमबूट जैसे जूते पहन रखे ऊपर मोटा सा मैंने जो है क्या कहते हैं जीन्स पहन लिया जैसे काटे ना हाथ में हमारे ग्लव्स था और डंडा था बहुत बढ़िया मैं तभी मुझको एक आवाज़ टिटहरी टिटहरी की आवाज़ होती है कि जब वो अपने घोसले के और घोंसला वो ज़मीन पर देती है खेतों में कहीं पर ज़मीन पर घोंसला देती है उसमें चार पांच अंडे होते हैं उनको वो सेती रहती है फिर बच्चे निकलते हैं लेकिन वो बहुत तीखी निगाह रखती है अपने अंडे के ऊपर यदि कोई भी जानवर या कोई भी मनुष्य उसके पास आने की कोशिश करता है टुट करके आवाज निकालती हुई उस पर झपटती है और चोंच मारने की कोशिश करती है लेकिन हमारे भारतीय सभ्यता में अतिथि देवो भव मेरे भारत के किसान जहाँ कहीं भी होते हैं वो इतनी सफाई से जो है क्या करते हैं खेतीबारी करते हैं कि उनके अंडों को हानि नहीं पहुंचती और बच्चे बड़े हो जाते हैं ये है भारत की परंपरा यहाँ जीवों से बहुत प्रेम किया जाता है नरभक्षी जीवों जीव आके उनके घरों में होते हैं तो तब तक वो नहीं उसको मार मार डालते हैं जब तक कि जो है मतलब बिल्कुल जान पर ना आए और इसी कारण भारतवर्ष में जीवों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है चाहे वो हिरण हो चाहे बारा सिंघा हो चाहे वो जो है सांप हो और चाहे जो है क्या कहते हैं चिड़ियाएँ हो या बड़े बड़े जो है बिल्ली के वंशज शेर तेंदुआ है ना ये सब जो और बाघ ये सब जो है हो सबकी वो रक्षा अच्छा करते हैं गुजरात में गिरी के जंगल के पास गिर के जंगल में बहुत ही जो है शेर रहते हैं और पास में लगा हुआ गांव है लेकिन ऐसी मित्रता मैंने नहीं देखी कि आदमी उसी जंगल के रास्ते से मोटरसाइकिल से स्कूटर से चला जाता है और शेर पास में होता है लेकिन वो आक्रमण नहीं करता ना कभी घर गांव में आके किसी को परेशान करता है तो ये होती विश्व बंधुत्व की भाषा हाँ तो मैं मैंने बहुत सारा भाषण दे दिया शिव जी की बात मैं अति प्रसन्न हूँ इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ ये बहुत ही हार्ड वीडियो है आप लोग इसे शुरू से अंत तक वो करिएगा और ऐसे ही वीडियो करीब करीब मिलता जुलता मैंने यूट्यूब पे डाला था 2019 में जून के महीने में करीब और आज उसको प्रीमियर में डाल दिया गलती से मैंने प्रीमियर में डाल दिया वो था एक चित्तौड़गढ़ किले का पूरा वर्णन ऐसी हिस्ट्री कि बच्चे हिस्ट्री पढ़ने तो बिल्कुल यदि यहाँ वीडियो देखते तो उनको सब याद हो जाता वो और एक बजरंग बली का जो है आशीर्वाद कैसे मिला मेरे एक साथी को तीन वीडियो मैंने प्रीमियर में डाले और दुर्भाग्यवश वो जो है आज तक उसका प्रीमियर शो नहीं हो पाया जब मैंने अपने कंटेंट को देखा तो उसमें लिखा हुआ कंटेंट नॉट अवेलेबल यानी कि भैया करोड़ों अरबों जो होते हैं मतलब वीडियो रोज़ के रोज डाउनलोड होते हैं उस महासागर में मेरा छोटा मोटा वीडियो छोटा अदना सा यूट्यूबर उसका वीडियो ऐसे गायब हो गया कि आज 19 20 21 22 या 20 21 22 मतलब करीब तीन साल रख लीजिए दो तीन साल में मेरा उन तीनों वीडियो का अता पता नहीं है और कहीं पर भी नहीं भैया बहुत बड़े बड़े वीडियो थे बहुत मेरा डाटा उसमें खर्च हुआ था बहुत पैसे लगे थे बनाने में बहुत रिसर्च की थी लेकिन वो नहीं पड़ा तो उसे इसी से मिलता जुलता ये है इसको मैं डाल रहा हूँ आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे अब आगे आप मेरा वीडियो देखिए और एक बार फिर बोलिए हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव और मैं भगवान शंकर के शिवलिंग को प्रणाम करके एक बात मैं कह रहा हूँ कि शिवलिंग आज के दिन ही प्रथम शिवलिंग प्रकट हुए थे धरती से समझे ना प्रथम शिवलिंग की हुई थी आज के दिन ही वो है और आज जो है क्या करते हैं समझिए कि अंतिम माँ है हमारे हिंदुओं का तो ये इस तरह से जो है क्या कहते हैं इस माँ की बहुत विशेषताएं हैं और आगे होली होली आएगी होली की मैं एडवांस में शुभकामनाएं दे रहा हूँ नमस्कार आगे आप वीडियो देखिए पूरा देखिए और मुझको बताइए कैसी लगी प्लीज़ मैं वीडियो डाल रहा हूँ बहुत व्यूज़ कम आ रहे हैं मैं नहीं जानता क्यों आ रहा है मैं तो अपनी पूरी मेहनत से बनाता हूँ ना कोई शेयर करता है ना कोई सब्सक्राइब सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं दो तीन चार अरे भैया ज़रा सा मेरे पर भी मेहनत कर दो जरा सा सब्सक्राइब वाला बटन दबा दोगे तो क्या हो जाएगा टू से बटन दबाओ और घंटी बजाओ और घंटी बजते ही आप नए नए वीडियो आपके पास आएंगे आप देखिए मजा लीजिए ये हॉरर स्टोरी है इसको देख के वो करिएगा धन्यवाद जय हिंद जय भारत अरे बाबा अनिल बाबा अनिल अब उस बिराने सन्नाटे में जहाँ मुझको कोई भी नहीं जानता था ना मैं पहली दफ़ा आया हूँ एक छः फुटा हट्टा कट्टा नौजवान उम्र होगी बीस से पच्चीस के बीच में बड़ी बड़ी मूछे बढ़िया कटे बाल बढ़िया कपड़े पहने दौड़ता दौड़ता आया अरे बाबा अनिल आप यहाँ कैसे मैंने कहा बेटा इतना YouTube में मैंने देखा है कि टिटहरी के जो अंडे होते हैं तो टिटहरी अपने बच्चों को निकालने के लिए एक पत्थर का इस्तेमाल करती है धीरे से चोचों पर पकड़ के ले आती जंगल से कहीं ढूंढ के उस पत्थर को यदि लोहे या किसी चीज़ पर छुया जाए वो सोने का तुरंत बन जाता है वो हंसने लगा बाबा ऐसी कोई बात नहीं है सब पेवकू बनाते हैं खैर आप इतनी दूर इसी के लिए आए हैं खोज करने तो मैं आपकी सहायता करूँगा बाबा आपने पहचाना नहीं मेरा ना नाम सुदर्शन है और मैं आपका बहुत सालों से फॉलोअर हूँ मैं आपकी हर कहानियाँ पढ़ता हूँ हर रोज़ और मुझको आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी आज भगवान की परम कृपा हुई कि आप मेरे सामने हैं कह के उसने झुक के मेरे चरण छुए मैंने उसको आशीर्वाद दिया उसने कहा बाबा मैं आपको जो हूँ यहाँ पर घुमाऊँगा रात में आपको जंगल भी ले चलूँगा वहाँ पर एक पुराना सा मकान है उसको भी दिखाऊँगा और जो है सब कुछ आपको तो ये जो कल्पना है सब लोगों की कि उससे सोना बनता है चलिए मैं जानता हूँ टिटेरे के टिटेरे ने कहाँ कहाँ अंडे दिए वो मुझको ले गया इस समय दिन के करीब चार बज रहे थे धीरे धीरे धूप की रोशनी कम हो रही थी और आसमान में अचानक काले काले बादल छा गए तो आसपास के खेतों में जो काम कर वहाँ पर एक एक खेत में बहुत बड़ी सी झोपड़ी बनी थी शायद वहाँ पर जो है लोग बाग ऐसी कुछ देर आराम करने के लिए टिकते हों या कुछ बरसात से बचने के लिए रात में खेत की रखवाली करने के लिए टिकते हों सब लोग दौड़ दौड़ के उस झोपड़ी में जाने लगे कि अभी पानी बरसेगा उसने कहा बाबा पानी बरसने वाला है जरा सा देख लें इंतज़ार कर लें उसका मैं आपको दिखाता हूँ तो मैं सबके सब मैं भी उसी तरफ गया झोपड़ी में देखा तो वहाँ सात आठ लोग खड़े थे सभी ग्रामीण थे और जो है लेकिन उनकी हिंदी अच्छी थी वो खेत में काम कर रहे थे बरसात ना हो जाए इसलिए बचने के लिए आ गए कि भीग जाएंगे तो कपड़े से पहनेंगे तो सब लोग अपने अपने कोई बीड़ी सुलगा रहा था तो कोई खैनी मल रहा था कोई कुछ कर रहा था आपस में हम लोग सब बतियाने लगे तो मजदूर ने कहा तो उस लड़के ने जो कि शायद उन्हीं के गांव का होगा क्या देखिए ये हमारे बाबा अनिल हैं बहुत बड़े यूट्यूबर हैं ये जो हैं कहानियाँ भूतों की कहानियाँ लिखते हैं तंत्र मंत्र के ऊपर साधनाएं अनुष्ठान वगैरह करते हैं बताते हैं और मैं बहुत दिनों से इनको लेकिन आज देखने की इच्छा हुई मेरा ये कहना था कि जितने भी ग्रामीण थे वहाँ पर सात आठ सब दौड़ के आए सबने मेरे पैर छुए सबको मैंने आशीर्वाद दिया चल पड़ी भूत प्रेत की कहानी तो कहा सभी ने कहा कि बाबा खेत के पड़ी तरफ जो क्या कहते हैं जंगल है जंगल में जरा सा बीच में जाके एक जो है बहुत बड़ा सा मकान है वो भूतिया मकान कहलाता है कहते हैं कि जो है कुछ लोग नदी में डूब के आत्महत्या कर लेते हैं कुछ लोग पेड़ों पर लटक के आत्महत्या कर लेते हैं कुछ उस वीरान मकान में जाके रहने की कोशिश करते हैं लेकिन दूसरे दिन मरे हुए पाए जाते हैं और वहाँ पर सुनते हैं वहाँ पर जो है एक खजाना भी है जिसको एक बहुत बड़ा सा नाग पहरा देता है ख़जाना बहुत बहुमूल्य है बहुत सारा सोना है और आजकल तो एक वहाँ पर जो है बाबा जी अपने चेलों के साथ कुछ पूजा कर रहे हैं शायद खजाना निकालने के चक्कर में है हम लोग वहाँ जाते नहीं हैं क्योंकि जंगल ऐसा है कि यदि गए तब तो कुछ नहीं होता लेकिन घर लौटने के बाद बहुत ही तकलीफ़ होती है हर तरह की किसी को कुछ होता है किसी को कुछ हो जाता है किसी को कुछ हो जाता है इसलिए हम लोग जंगल में जाते नहीं ना उस मकान के पास जाते हैं हाँ दो चार चारवाहों ने देखा है जो अपने जानवर चराने ले जाते हैं उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई बाबा और उनके तीन चार शिष्य टिके हुए हैं ऐसी बातें होती रहीं खैर इतनी तेज़ से हवा चली और सब बादल उड़ गए तो सब अपने अपने काम पे निकल गए मैं उस लड़के के साथ दौड़ता रहता करीब मैंने आठ दस घोंसले देखे आठ दस घोंसलों में जो है अंडे तो थे अभी फूटे नहीं थे एक फूट चुके थे उसमें उसकी माँ नहीं होंगी या उसमें बच्चे बड़े होके निकल गए होंगे कुछ भी ऐसा तो मैंने हर उसमें से हर तरह के पत्थर को उठा के जो मैं अपने साथ पीतल लोहा सब लाया था लगा लगा देखा ना मेरा तो सोना बना नहीं तो बना नहीं करोड़ों का अरमान दिल के अरमान आँसू में बह गए और तो फिर वो भी कह रहे हैं देखा बाबा आप आते अकेले अकेले इतनी मेहनत करते फिर घर आते हुए घर वापस चले जाते खैर मैं आपको आप पहले घर चलिए वहाँ से आपको जो है खाना वाना खिलाता हूँ खाना वाना खिलाने के बाद मैं आपके साथ ही हूँगा और मोटरसाइकिल से आपको जंगल के अंदर तक उस मकान तक ले जाऊँगा आप हैं तो मुझको किसी चीज़ का डर नहीं तो मैंने कहा चलो बेटा ये भी अच्छा है वो अपनी मोटरसाइकिल वहीं पर एक खड़ा किए हुए था उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की कच्चे कच्चे रास्तों से पता नहीं किस तरह से बहुत अच्छा वाइकर भी होगा कच्चे रास्तों से बिना मुझे गिराए वो जो है अपने घर ले गया घर में उसके माँ बाप थे और जो है बहनें भी थी और छोटे चुट छोटे भाई शायद होंगे वो भी थे तो उन लोगों ने मेरा खूब जब बताया तो खूब जो आदर सत्कार किया पहले तो उन्होंने मुझे दही की लस्सी पिलाई गांव की दही की लस्सी मज़ा आ गया उसके बाद उन्होंने जो है कहा कि बाबा खाना खा लो तो उन्होंने जो है सब्जी रोटी गरम गरम दाल फुलके बहुत बढ़िया थे और अचार के साथ दाल सब्ज़ी रोटी सब खिलाई पेट भर के खाना खाया तब तक शाम के करीब साढ़े सात पौने आठ बज गए थे थोड़ी देर आराम करने के बाद लड़का बोला चलिए अब करीब आठ से ऊपर हो गया है तो जो है आप चलिए मैं आपको सैर कराता हूँ तो अपने जंग, जंगी जहाज जैसा मोटरसाइकिल निकाला हमारे खास से बुलेट ही रहा होगा बहुत तेज़ आवाज़ वाला और गड़गड़ गड़गड़ करके बैठा और हमको पीछे बैठाया और उस अंधेरे में शायद वो अभ्यस्त रहा होगा चलाने में मोटरसाइकिल ले के खड़े अंधेरे में पहुंचा हम लोग को थोड़ी ही दूर जंगल में गए होंगे तो ऐसा लगा कि जैसे हमारे पीछे पीछे कोई मोटरसाइकिल पर चला आ रहा लेकिन पीछे कोई मोटरसाइकिल दिखा नहीं आगे जो है दो चार आदमी हमको दिखाई पड़े अब वो अजीब जैसे उन पर मोटरसाइकिल के मेरे सब्सक्राइबर के मोटरसाइकिल की जो है रोशनी उसके ऊपर उनके ऊपर पड़ी अब वो ऐसी बिकट हंसी से हंसने लगे कि जैसे तो सब्सक्राइबर जरा सा घबराया मैंने कहा घबराओ ना बेटा मैं साथ में हूँ ये सब प्लेट लिलाएँ होती है रोकती हैं आने जाने वालों को, लोगों को या प्रेरित करती हैं कि हम सब मर जाए और इन्हीं के ग्रुप में शामिल हो जाए आगे बढ़ते गए एक छोटा सा लड़का दिखाई पड़ा घने जंगल में छोटा सा लड़का चल रहा है और जो है क्या करते हैं जैसे ही मोटरसाइकिल की रोशनी पड़ी बिल्कुल वो मोटरसाइकिल के पास ही था और गायब हो गया दिखाई नहीं मैंने कहा ये क्या हो गया ये तो चला गया फिर करते करते और भी आगे बढ़े इतने में पेड़ के ऊपर से एक जो है उल्लू बोला हो हो ऐसे बहुत भयानक आवाज मैं मैं तो कह कर नहीं पा रहा हूँ लेकिन बहुत भया वर्ल्ड अउल कहलाता शायद हमारे घर से उसके बाद उसी की आवाज़ सुन के आसपास के पेड़ों से जैसे लगता है कि उल्लुओं का मेला लग गया हो सब विचित्र विचित्र आवाज़ में चीखने चिल्लाने लगे और उन आवाज़ों को सुनकर पेड़ पर जो कौवे सो रहे होंगे बेचारे उस समय थकान के मारे वो भी फड़फड़ा के काँव काँ करके उड़ने लगे अब धीरे धीरे हवा चलने लगी हवा का शोर बढ़ने लगा और लेकिन वो मोटरसाइकिल चलाता रहा जंगल के थोड़ी दूर पर जाके उसने मोटरसाइकिल रोक दी और कहा बाबा देखिए अंदर वो वो है घर और देखिए वहाँ रोशनी हो रही इसका मतलब वो जो बाबा घोड़ी तांत्रिक जो भी हो वो पूजा पाठ कर रहे होंगे सोना निकालने के लिए तो मोटरसाइकिल की आवाज़ ना हो वो चौंक ना जाए या कुछ अनिष्ट ना करें हम लोग साथ तो चलिए धीरे धीरे चलते मैं धीरे धीरे करके उसके साथ उस मकान पर गया चारों तरफ खहरा सन्नाटा बीच बीच में एक आध बार तो जंगली जानवरों के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी पेड़ों पर से ऐसी विचित्र आवाज़ आने लगी जैसे कि क्या कहते हैं कोई वो और झींगुर की आवाज़ झू एक आध बार तो ऐसा लगा जैसे कि क्या कहते हैं जो एक चिड़िया होती कठपुर हुआ खुट 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 करती है उसकी आवाज़ आने लगी तो जो है हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए डंडा मेरे साथ था उसने भी जो है क्या कहते हैं शायद रिवाल्वर या कुछ रहा हो शौकीन रहा हो अब लाइसेंस ही था क्या ये सब नहीं मालूम उसने अपने कमर से निकाल के और उसको अपने हाथ में ले लिया बढ़िया लग रहा था कॉस्टली मतलब ये नहीं कि जो है क्या कहते हैं कम, कंट्री मेड हो वो फ़ॉरन के रिवाल्वर लग रहा था वो ले के हाथ में लिए मेरे साथ जो है चलने लगा हम लोग उस मकान के पास पहुँचे अब पहुँचते ऐसा लगा जैसे अंदर घुसने की कोशिश की करंट जैसा लगा हो मैंने कहा देखो यहाँ जो भी पूजा पाठ कर रहा है उसने पूरे घर को बांध रखा प्रेत शक्ति से कि अंदर कोई आ ना पाए ये जो झटका लगा है ये करंट का नहीं है ये उसकी प्रेत शक्ति का कमाल है खैर तो मैंने अपने जेब से मेरे पास कुछ रखा हुआ था पुड़िया बांध के उसको निकाला फूल वूल था भी और कुछ इतर था मैंने उसको पढ़ के अपने देवी देवताओं का आह्वान करके और मारा एक आँख सी लौ पूरी उसमें घर के चारों तरफ दौड़ने लगी और फिर धीरे धीरे वो हो गई कम हो गई और हम लोग आराम से उसके अंदर अंदर जाके देखे जटाजूट भयंकर सा अघोड़ी टाइप का जिसके सामने दो बड़े बड़े बकरे रखे थे मुर्गे रखे थे शराब की बोतल थी मछलियाँ शायद थी और मांस भी था और उसके चार रिष्ट पुष्ट वो थे और वहाँ पर बहुत सारा जो है फौड़े भी रखे थे तसले भी रखे थे बेलचे भी रखे थे मतलब हर तरह का इंजाम था कि सोना यहाँ से निकाल के ले जाएंगे बाबा जी बहुत ज़ोर ज़ोर से मंत्र अर्चन कर रहे थे मैं तो समझ गया गुप्त धन निकालने के लिए जो क्रिया होती है उसको मैं जानता हूँ वही साधना वो कर रहे थे मैंने कहा देखो इनको डिस्टर्ब मैंने उससे कहा कर, डिस्टर्ब करना ठीक नहीं तुमने मुझको घुमाया इनको अपना काम करने दो तो हम लोग चलते हैं और फिर हम लोग धीरे धीरे वापस आ गए वापस आ गए और वही भयंकर प्रतिल मेरी मोटरसाइकिल नदी किनारे दौड़ रही थी ऐसा लग रहा था कि नदी से बहुत सारी औरतें लड़कियाँ निकली और जो है क्या कहते हैं मतलब डुबकी लगा लगा के हम लोग के पास देखने लगी उनके बाल खुले हुए थे उस अंधेरे में भी उनका चेहरा सबका चमक रहा था तो सब्सक्राइबर घबराया मैंने कहा घबराओ ना ये सब चुड़ैल होगी या प्रेतनियाँ होंगी इनके चक्कर में कभी ना पड़ना चाहिए है ना ये अपना जो है वासना पूरी कर लेंगे फिर आपको मार के आपका कलेजा खा लेंगे और उसके बाद आपको फेंक देंगे जंगल में फिर जंगली जानवर है इसके रुकना नहीं चलते रहो मोटरसाइकिल चलती रही थोड़ी देर में अचानक जोर से जो है क्या कहते हैं एक आवाज़ हुई मोटरसाइकिल लड़खड़ाई तो मैंने देखा एक पेड़ की साख से जो है एक आदमी लटक रहा है और उसका पैर जो है मोटरसाइकिल वाले के मुंह पर लगा था इसीलिए वो डिसबैलेंस हो गया था खैर उसने गिराया नहीं आगे बढ़ा तो मैंने कहा लटक रहा है तो क्या कहते हैं बाबा जी लगता है आत्महत्या किसी ने की है मैंने कहा नहीं यार कोई पुराना कोई वो होगा प्रेत वेत अपनी लीला दिखा रहा चलते रहो फिर वो ले आ गया और फिर हम लोग चलते रहे जंगली जानवरों का शोर और झींगड़ों की झंझनाट कौओं का उड़ना पेड़ पर बैठे उल्लुओं का चीखना गिद्ध का गिद्ध के बच्चों का रोना सारी मुसीबतें झलते झलते माया मिली ना राम लेकिन मतलब एक एडवेंचर हुआ हॉरर एडवेंचर अब वो फिर अपने घर ले गया और फिर रात के इस समय जब हम लोग लौटे तो बारह बज रहे थे उनके घर वाले अभी भी जा हम लोग इंजॉय कर रहे थे हम लोग अंदर पहुँचे सब ने मेरे पैर वैर धोए वहीं पर गर्म पानी से पैर धोए मुंह दिया मुँह को धुलवाया उसके बाद उन्होंने जो है एक बढ़िया सी चारपाई के ऊपर एक मतलब दरी बिछाई और एक चादर दिया वो और कहा बाबा जी आराम करो सुबह आप अपने जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते ये पहुँचा देगा आपको बस स्टैंड तक जरा सा दूर है बस स्टैंड लेकिन वहाँ पहुँचा देगा वहाँ से गाड़ी आपको मिल जाएगी जाने के लिए बस मिल जाएगी तो मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने मुझे पानी नहीं दिया हाँ पानी के साथ उन्होंने जो है पेड़ा मुझे दिया आह क्या स्वादिष्ट पेड़ा था खा के मज़ा आ गया गांव का शुद्ध खोए का बना हुआ पेड़ा पानी पेड़ा खाया पानी पिया और लंबी तान के सो गया सुबह उठ के चूँकि मेरी आदत है फ्रेश होने की फ्रेश होने के लिए उन्होंने उनके साथ जो पिताजी थे उन्होंने कहा बाबा चलो तो मैं सुबह उनके साथ जाके जंगलों में फ्रेश है उसके बाद जो है हाथ व धुला के नहा वहाँ के उन्होंने बहुत बढ़िया से नाश्ता कराया फिर लस्सी पिलाई और फिर लड़के ने भी नाश्ता किया लस्सी पी कहा बाबा चलिए आपको बस स्टैंड तक छोड़ देते हैं आप बस में बैठ के अब निकल जाइएगा तो फिर वो जो है मोटरसाइकिल पर बैठा के मुझको ले गया करीब आधे पौने घंटे बाद बस स्टॉप पे पहुंचा मतलब ये गांव छोड़ के शहरी लग रहा था कस्बा टाइप का तो वहाँ पर जाके खड़ा हो गया थोड़ी देर में मेरे मैं जहाँ पर जाना चाहता था वो बस आ गई मैंने बैठा लेकिन एक काम किया बेचारा मेरे साथ पूरी रात रहा है तो मैंने जेब से उस पाँच सौ रुपये निकाले और उसकी जेब में डाल दिया उसने ना नुकुर किया बहुत छटपटाया मैंने कहा नहीं ये मेरा आशीर्वाद समझ के रख लो अपने पर्स में कभी खर्च ना करना भगवान चाहेगा दिन दूनी नहीं रात तरक्की होगी उसने झुक के फिर मेरे पैर से मैंने आशीर्वाद दिया और बस में बैठ गया और जो है कहते तभी बस में बैठने पर टिकट वाला आया तो उसको मैंने बताया कहाँ जाना उसने टिकट मतलब मुझको मुझसे पैसे लिए टिकट दिया मैं आराम से बैठ के खिड़की पास बैठा उसने एक बार फिर से नमस्कार किया अब अपनी और मोटरसाइकिल में अपने घर की ओर चला गया नमस्कार जय हिंद जय भारत ये रही मेरी खोजपूर्ण यात्रा टिटहरी के अंडे जिनको मैं पहले भी लिख चुका था लेकिन YouTube वालों ने मेरा पूरा कंटेंट गायब कर दिया तो ये दोबारा लिख रहा हूँ हो सकता कुछ इधर का उधर हो गया हो लेकिन ये सत्य कहानी है और सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी है आप इसे लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा धन्यवाद जय हिंद जय भारत प्रभु आप सबकी रक्षा करें भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आपको जो है आपका कृपा दृष्टि जय भोलेनाथ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भगवान शंकर जी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू यू धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत